टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है इसमें? टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आएंगे? 10 आएंगे। और फिर बाकी क्या अमाउंट? 2 की 10। देखो अपन चाहे इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं और चाहे हम इससे भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू t अपॉन t हाफ, यानी कि 100 अपॉन 10 कितना आ गया? 10। कभी भी आपसे फ्रैक्शन निकालने की बात करते हैं तो फ्रैक्शन का मीनिंग होता है nt अपॉन n। तो nt अपॉन n नॉट क्या आ गया यहां पर? 1 अपॉन 2 की पावर n। तो 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 10। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके लिए आते हैं। हो सकता था आपको इनिशियल अमाउंट दिया हो और फाइनल लास्ट का अमाउंट आपसे पूछा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के किसी भी रिएक्शन में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये जो फॉर्मूले नहीं यूज करना है। ठीक, तो लिख लें इसको, न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ और को लेना चाहिए। फ्रैक्शन हम हमेशा रिमेनिंग निकालते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? एन टी अपॉन एन।
अबे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस t half गिवन है आपको कितना है 10 मिनट्स, तो आपको क्या निकालना है t 90%। एक मिनट बोर्ड पर देख लो बेटा इसको। हाँ जी हाँ 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 भाई, तो बेटा यहाँ यदि अपन देखें इसमें हाफ लाइफ की तरह आपको गिवन है। अब इसके दो मेथड थे, पहला मेथड क्या है कि हमने टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था 0.693 अपॉन के, इससे हम k की वैल्यू निकाले 0.693 अपॉन t हाफ, कितना निकल के आ गया भैया k इक्वल टू 0.693 अपॉन 10। फिर हम सेकंड कंडीशन जो भी वो कह रहा है उसको यहां फॉलो करें, k कितना है 0.693 अपॉन 10 log बेस 10। आज a कितना होगा कितना भी मान लो जितना आप सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ए को कुछ भी मान लो, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि आपका हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए नहीं आ रहा था, टी 3/4 का देखा था उसमें भी ए नहीं आ रहा था, तो स्पेसिफिक टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, इसलिए आप ए की वैल्यू कुछ भी यहाँ मान के चल सकते। बेटर क्या है कितनी लेके चले अपन 100 लेके 100 लेके चलोगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा और इजी, तो 100 हो गया। a माइनस x कितना गिवन है 100, a माइनस x कितना होगा 9%। देखो यहाँ ये जो परसेंटेज गिवन होती है ये x की वैल्यू, तो याद रखना ये चीज, यहाँ जो गिवन है वो x है, ये कौन सा पार्ट है डिसोसिएट पार्ट, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 माइनस 90। मैंने 100 क्यों लिया है क्योंकि परसेंटेज आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करें 2.303 इनटू 10 अपॉन 0.693 लॉग 100 अपॉन 10, सॉल्व कर लो ये कट गया यहाँ से 10 का मतलब हम कैलकुलेट कर लोगे आंसर किसमें आ जाएगा मिनट। पहला मेथड तो ये है इसका, दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं दो टाइमिंग को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं, आपका मतलब 50% 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स वन log a अपॉन a माइनस एक्स टू, ये कट गया दोनों का t 90% अपॉन t log 100 अपॉन 100 माइनस कितना आएगा 90 log 100 अपॉन 100 माइनस कितना आ जाएगा 50 by half का मतलब t half का मतलब 50%, ये कितना बचा ओवरऑल 10, ये कितना बचा ओवरऑल 2, इसको काट दे दो बार मतलब पांच बार कट जाएगा कितना आ गया लॉग 5। और क्या कैलकुलेटर है शाबाश, ऐसे ही कूटर करवा देने तो कुछ नहीं आ जा चालू करा तेरे कल कट जाएंगे लॉग में काले में जाओगे लॉग लॉग उठा तक लॉग लॉग तो रात मार देगा टी 90 और ये कितना दिया हुआ है 10 मिनट, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0.2, तो क्या आ गया t 90% अपॉन 10, तो t 90% इक्वल टू 10 अपॉन 0.3, ठीक है भैया सॉल्व कर लो आंसर, ठीक है ऐसा मत करना 5 निकाल दो आंसर, 50 आंसर निकाल दो इसको। आपको जो मेथड बेटर लगा हो आप उससे कर सकते हो, मेथड 1 एंड मेथड 2।
नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर बता दो ये देखिए, जब बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन बात करें तो उसको दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो बेटा ऐसे सोचो, एक हम लेते हैं यहाँ पर 2A converts into product या A plus B converts into product, लेकिन दोनों की यहाँ कंसंट्रेशन सिमिलर होगी। तो यहाँ इसको ना लिख करके हम सीधा सा ए यहाँ क्या हो गया जीरो, यहाँ कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की हम क्या लेके चलते हैं ए और बी। समझ में डिफरेंस आ गया, समझ में क्या है, एक बार सेम कंसंट्रेशन वाले रिएक्टेंट्स और एक बार डिफर कंसंट्रेशन वाले रिएक्टेंट्स। इसका क्या होगा a माइनस x डैश,
a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंस्टेंटेनियसली जो पहले अपन ने निकाली थी वही सीधा सा यहाँ क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा दूसरा क्या आएगा के ए माइनस एक्स की पावर इक्वेशन नंबर वन। पूरी डेरिवेशन लिखी हुई जो है प्रॉपरली वो आपको पहले लिखा दी है, अब उनको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। इन दोनों के इक्वल लिखें क्या लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर टू। ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा क्या आ गया के डी टी। इंटीग्रेशन करें पहले इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है अब इंटीग्रेशन करें क्या आएगा भैया इसका इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन dx अपॉन dt ही आएगी, सेकंड रिएक्शन r इक्वल टू k a माइनस x की पावर 1 b माइनस x की पावर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों के इक्वल लिखें। ठीक है भाई इसको नीचे लिया dx a माइनस x और b माइनस x a b। भैया आप बताओ इसको डिसोसिएट करके हमें इंटीग्रेशन करना है, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है इसकी, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे अपन बेटा। हाँ भैया तू ही बता रहे भैया, ये तो नहीं बता रहे कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको 1 / a dx और b dx क्लोजर की तरफ ले जाओ, मतलब इन्हें एक-एक समझाएगा भाई वाले ने, ये तो ब्रो ऊपर खजाने हमारी बताओ मैं। देखो सुनो भैया आपको क्या करना है, सिंपली इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पहले। और पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी गई है कौन-कौन सी a और b, 1 अपॉन दोनों को माइनस में लिखो। ठीक है मैं डायरेक्ट आपको लास्ट रिजल्ट बता रहा हूं कैसे किया है, वो कोई मतलब की आपके लिए बात नहीं है ना, आप उसमें दिमाग लगाएंगे। अपॉन dx अपॉन देखो जो पहले लिखी हुई है उसे माइनस में लिखेंगे, पहले कौन लिखा है a तो इसको तो बाद में लिखेंगे, और बाद में क्या लिखा है b इसको पहले लिखेंगे b माइनस x और a माइनस। ये इसका क्या हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई और यहां इसको आगे सॉल्व करेंगे k dt एडिटिव रहेगा। इस पूरे पोर्शन में एक ये पॉइंट ऐसा है जो डिफरेंट है। ठीक है बायो वाले बच्चों ने शायद कभी नहीं पढ़ा है, मतलब इस तरीके की बातें आपने नहीं पढ़ी है, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने शायद नहीं पढ़ी है, पढ़ेंगे नहीं सुना भी नहीं, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है और इकलौता इसी में है आपके लिए और किसी में नहीं है। अरे इसका इंटीग्रेशन किया आपने क्या है a माइनस एक्स क्या था ऊपर n प्लस वन। ठीक है भैया n प्लस वन x के आगे माइनस है, माइनस का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी माइनस आ गया इज इक्वल टू के बी प्लस। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बन गया बचा माइनस और ये क्या बचा माइनस, दोनों ही माइनस है। इसको ओवर वाले यदि हम लिखते हैं तो ऊपर भी पावर माइनस है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने ए माइनस है ए बी प्लस बी, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी इंटीग्रेशन ये आ गया वन अपॉन ए माइनस। इसका इंटीग्रेशन करें और इसका करें भैया 1 upon a minus b एडिटिव रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ln b minus x और माइनस आ गया, माइनस आ गया है। इसको करें तो ln a minus x माइनस आ गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे।
टी प्लस सी। क्लियर भैया, इसको वन अपॉन ए माइनस बी और इसको क्या लिख सकते हैं एल एन बी, सॉरी ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, के टी प्लस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन, तो ऊपर प्लस वाला आएगा नीचे माइनस वाला, तो एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस। बोलो भाई यहां तक आओ, इसको यदि हम आगे सॉल्व आउट करें तो सी की वैल्यू निकाले, टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो, क्या होगा भैया यहां पर वैल्यू रखे तो वन अपॉन ए माइनस जीरो बराबर के इंटू जीरो प्लस सी, तो सी बराबर वन अपॉन के, यहां पुट कर दें पुट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पुट करें क्या आएगा भाई वन अपॉन ए माइनस एक्स के टी प्लस वन अपॉन ए, तो के टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए, दैट इज टी इज इक्वल टू वन अपॉन के, एलसीएम कितना आएगा दोनों का ए ए माइनस एक्स, ये आएगा बचेगा कितना ऊपर x बचेगा बचने को, तो मैं पहले पूरा ही लिखूं a माइनस x, सॉल्व आउट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसे ये कट जाएगा वन अपॉन के x अपॉन के a माइनस x, ये इसका फॉर्मूला बन के आ गया। बोलो भाई ये कहां है वो कैलकुलेशन का आती है करना तो आपको भी, लेकिन जहाँ आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है वो आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है एक बार नहीं ना दस बार पूछो कोई परेशानी वाली बात, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ना करें, अभी तो फर्स्ट ईयर में तो आपके लिए कैलकुलेशन कम है फिजिकल केमिस्ट्री में, सेकंड ईयर में तो और बढ़ जाएंगे आगे, ये बहुत अभी तो आपने फंक्शन भी पढ़े हैं, सेकंड ईयर में आपको फंक्शन और आएंगे, मैथ वाले बच्चे फंक्शन पढ़े होंगे ना, मैथ का पूरा एक चैप्टर आता है डिटरमाइनर फंक्शन, अब वो फंक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें सेकंड ईयर में फिजिक्स, इसलिए वो आपकी मैथमेटिक्स बढ़ेगी, मैथ से कोई पीछे छुड़ा सकता है, वैसे पीछे कोई नहीं छुड़ा सकता, मैथ से तो साइंस में पीछे छूटता ही नहीं है बेटा, मेरी आदत थी हमेशा सताई। आप में से ऐसे बायो वाले बच्चे ऐसे कितने हैं जिनको आगे चल के केमिस्ट्री से एमएससी करनी है, अब जिनको भी केमिस्ट्री से एमएससी करनी है वो एमएससी किसको करनी है इसको और देखने फटाफट से, इसमें देखें भाई t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू क्या हो गया जीरो, वैल्यू पुट करें वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस बी इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, तो c इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन, इसको यहां पुट कर दें भैया इस वाली इक्वेशन में सी वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी, चलो पहले इतना लिखो आप तो
बारे में बताओ उनका जो दिक्कत समझ लो उसको दिक्कत है दिक्कत आ गई काहे को ठंड लग गई पता नहीं आज पर ठंड लग गई ना के नाम है उसको अपन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी देखिए उसमें सी की वैल्यू पुट कर दें इसमें
वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। किधर ले आए इसको एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए अपॉन बी के टी वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी इक्वल टू के वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए अपॉन बी इक्वल टू के टी। हाँ भाई लॉग एम माइनस लॉग एन डिवाइड बाय एन इसके नीचे इसको लेंगे तो a नीचे रह जाएगा b ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 upon a minus b ln b a minus x a b minus x clear भैया तो t equal to log base 10 में convert कर लिए direct इसको तो 2.303 upon k a minus b log base 10 b a minus x a b minus x ये इसका क्या बन गया ठीक है भैया।